बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। करिश्माती निज़ाम तशख़ीस से तिब के हवाले से जो दोस्त अल्लाह के फजल करम से हमारे पास आ रहे हैं सीखने के लिए, हम उनको करिश्माती निज़ाम तशख़ीस से तिब सिखा रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये शख्स कभी किसी को करिश्माती निज़ाम तशख़ीस से तिब नहीं सिखाएगा, अपने साथ कब्र में लेके जाएगा, आज वो देख लें सुन लें कि मैंने अल्लाह के फजल व करम से अपने अहल शागिर्दों को इसको सिखाना शुरू कर दिया है। हकीम मौलाना इसहाक बालाकोटी साहब वाकेंट से, आप वहाँ आलमे दीन हैं, खतीब हैं, मेरे पास तशरीफ़ लाए और ये बहुत पहले से करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के ऐसे कह लें कि आशिक थे। ये मेरे पास कई बार तशरीफ़ लाए कि अभी हम सिखा दें, लेकिन मैंने ने कहा कि आप ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, जब वक्त आएगा इसको हम इंशाल्लाह सिखा देंगे। और ये भी मैं आप लोगों से ये बात यह कहना चाहता हूँ कि जब मैंने करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब दुनिया के सामने पेश किया था, फेसबुक पे इसकी एक तशहीर शुरू हुई सबसे पहले, तो उस वक़्त बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े तबीबों ने मेरी मुखालफत की, लेकिन अल्लाह ताला के इस बंदे को, ये इनका एजाज़ है, मेरे दिल में इनकी रिस्पेक्ट है कि ये बंदे को ये तौफीक हुई कि ये वहाँ से वाकेंड से मेरे पास तशरीफ़ लाए कुछ दोस्तों के साथ। इन्होंने करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब को आजमाया, माशाल्लाह चूँकि ख़ुद तबीब थे, मजाजों को समझते थे, इन्होंने आजमाया, देखा और फिर जाकर इन्होंने सोशल मीडिया पे उसकी पोस्टें भी लगाईं कि करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 100% दुरुस्त है। फिर ये गाहे बगाहे मेरे पास आते रहे, मैंने इन्हें कहा कि आप इसको चेक करते रहें। आज भी आए हैं मेरे पास, तो मैंने इनकी तशख़ीस की है, फिर मैंने पूछा कि आप बताएं कि आपकी तहरीक है, तो इन्होंने अपने तासरात वहाँ भी बयान किए। तो इन प्यारे भाई को आज मैंने अल्लाह के फजल व करम से, इनके नसीब में था, मैंने करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब नज़रिया मुफ़रत अज़ा सिखा दिया।